दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपकी रीढ़ की हड्डी को भी हिला कर रख सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानवरों की दुनिया के कुछ ऐसे जानवरों से मिलवाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ये भी इतने खतरनाक हो सकते हैं। इस वीडियो में हम 5 सबसे खतरनाक बंदरों की बात करने वाले हैं जिन्हें किसी का डर नहीं, और जब इन्हें गुस्सा आता है तो सामने चाहे शेर का झुंड भी क्यों ना हो ये उससे भी भिड़ जाते हैं। अमेजोन के इन घने जंगलों से अफ्रीका के ये वीरान जंगल इन खतरनाक बंदरों का घर है। इनके ये नुकीले दांत, बिजली की तरह तेज रफ्तार वाली चाल और इनका ये खतरनाक व्यवहार जो कभी भी बदल सकता है इन बंदरों को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। इन मासूम आंखों के पीछे छिपी है इन बंदरों की खतरनाक हरकतें, होश उड़ा देने वाले इनके एक्शन, इनके इलाकों को लेकर इनकी लड़ाई और इनके झुंड की ताकत जो बड़े से बड़े जानवर को भी हरा दे। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आपको इन जानवरों की इस रहस्यमय दुनिया की जानकारी और इनके खतरनाक व्यवहार, इनकी ताकत जो भी इनके बारे में है सब कुछ पता चलेगा। तो दोस्तों बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। शायद आपके दिमाग में चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसे बंदरों के नाम आ रहे होंगे और आपको लगता होगा कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक बंदर है, लेकिन 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 ये दोनों ही बंदर इस लिस्ट में शामिल नहीं है। हालांकि ये दोनों बंदर बहुत ताकतवर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत खतरनाक है। चलिए इन 5 बंदरों के बारे में जानते हैं। नंबर 5, रेड टेल्ड मंकी। सिर्फ 3 किलो वजनी ये छोटा सा बंदर मध्य अफ्रीका के घने जंगलों में रहता है। दिखने में ये बहुत ही क्यूट और प्यारा सा लगता है, लेकिन कभी अगर आपका इनसे सामना हो तो इनकी क्यूटनेस पर फिदा मत हो जाना, क्योंकि जैसे ही इन बंदरों को लगता है कि इंसान इनके ज्यादा ही करीब आ रहे हैं ये इंसानों पर तुरंत हमला कर देते हैं। ये झुंड में रहते हैं और ज्यादा ही खतरा महसूस होने पर पूरा का पूरा झुंड किसी पर भी हमला कर सकता है। इनके ताकतवर जबड़े और तेज नुकीले दांत किसी भी इंसान को मिनटों में मौत के घाट उतार सकते हैं। इनके अलावा ये बंदर इंटेलिजेंट भी होते हैं। अलग अलग मौसम में ये अपने खाने को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। दूसरे जानवरों से अपने खाने को बचाने के लिए ये खाने को सुरक्षित जगह पर रख देते हैं। जिस मौसम में इन्हें खाने की कमी होती है उस मौसम में ये कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। जब कभी भी कोई इंसान इनके इलाके में जाता है तो उसे पूरी तरह से ध्यान रखना होता है कि कहीं वो चलते चलते इन बंदरों के झुंड के बीच ना पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो वो उस इंसान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बंदर जो है वो इंसान को एक खतरनाक जीव की तरह देखते हैं, क्योंकि इंसानों ने बंदरों को कई बार मौत के घाट उतारा है। इनके इन खतरनाक हमला कर देने वाले व्यवहार की वजह से इस बंदर को दुनिया के सबसे खतरनाक बंदरों की गिनती में रखा गया है। नंबर 4, मकाक। इस बंदर को तो हर कोई जानता है। ये वही बंदर है जिसकी वजह से आपको बार बार घर के अंदर भागकर जाना होता है या फिर इन बंदरों को अपने घर से दूर भगाना होता है। इस बंदर की 23 प्रजातियां यूरोप, अफ्रीका और एशिया में रहती है, जिनमें ये सबसे ज्यादा एशिया में पाए जाते हैं। इंडिया में हर दिन इस बंदर द्वारा इंसानों पर हमला किया जाता है, और वो भी एक दो नहीं 100 से भी ज्यादा हमले हर रोज इस बंदर के सामने आते हैं। बड़े बड़े शहरों में इन बंदरों को आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। इन शहरों में लोग अपने घरों के बाहर बालकनी पर जाल लगा कर रखते हैं ताकि ये बंदर इनके घरों में ना घुसे। ये बंदर की वो प्रजाति है जो इंसानों के सबसे ज्यादा करीब है और इनके खतरनाकपन से हर कोई वाकिफ है। जब इनके झुंड में लड़ाई होती है तो हर इंसान अपने घर में घुस जाता है, क्या पता इनमें से कोई बंदर किसी इंसान पर हमला कर दे। पहले तो ये शहरों में भी रहते थे, लेकिन अब गांव में भी आप इन्हें बड़ी आसानी से देख सकते हो। इंडिया के ऐसे गांवों में भी ये बंदर आपको आज मिल जाएंगे जहां पर कभी बंदर हुआ भी नहीं करते थे। अगर इन बंदरों द्वारा खाए जाने वाले खाने की हम बात करें तो आप विश्वास नहीं करोगे, फल फूल तो हर कोई बंदर खाता है, लेकिन ये बंदर कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे मेमल, यहाँ तक कि ये तो चूहों का भी शिकार कर लेते हैं। किसी बंदर द्वारा किसी चूहे को खाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। इस बंदर की आबादी आज लाखों में है। अगर ये बंदर कभी आपके सामने आता है तो जितना जल्दी हो सके इस बंदर से दूर हो जाए और कभी भी इस बंदर से पंगा लेने की कोशिश भी ना करे, नहीं तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। नंबर 3, कैपुचिन। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला छोटा सा बंदर इस नई दुनिया का सबसे खतरनाक और इंटेलिजेंट बंदर है। नई दुनिया के बंदरों में इसके जैसा कोई बंदर नहीं। इस छोटे से बंदर को कई सारी फिल्मों और टीवी सीरीज में भी देख सकते हो, और पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में इस बंदर को आपने कई बार देखा होगा।
अमेरिका के इन घने जंगलों में इस बंदर की 17 प्रजातियां रहती है। इस बंदर का वजन बस 5 किलो तक होता है। ये छोटा सा बंदर जाना जाता है इसके खतरनाक व्यवहार की वजह से। दूसरे बंदरों की तरह ये बहुत सारी चीजों को खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन इनकी एक अजीब सी बात यह है कि ये दूसरे बंदरों के मांस को भी खाते हैं, और यही बात इन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये बहुत इंटेलिजेंट बंदर है। कई बार इन्हें टूल्स का भी उपयोग करते देखा गया है। फलों को तोड़ने के लिए ये पत्थरों का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि मादाएं मेल बंदरों को अट्रैक्ट करने के लिए उनके ऊपर पत्थर फेंकती है। इस बंदर के इंटेलिजेंट व्यवहार की वजह से इस बंदर पर कई सारे प्रयोग भी किए जाते हैं। इन बंदरों के खतरनाक व्यवहार और इंसानों पर इनके हमला करने वाली प्रवृत्ति के बावजूद भी ये बंदर हम इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि ये बंदर हम इंसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आप एनिमल टीवी हिंदी के वीडियोस देखते रहते हो तो आपको इस बात का जरूर अंदाजा होगा कि कैसे जानवर और पेड़ पौधे हम इंसानों के लिए जरूरी है। नंबर 2, बबून। अफ्रीका में रहने वाले ये सबसे खतरनाक शिकारी जानवर, जिनमें शेर, तेंदुए, लकड़बग्घे और जंगली कुत्ते शामिल है। अगर ये कोई किसी जानवर से डरते हैं तो उनमें इस बंदर का नाम भी शामिल है। बबून बंदर झुंड में रहते हैं और अफ्रीका में हर आए दिन इन बंदरों को इन खतरनाक लड़ाइयों का हिस्सा बनते देख सकते हो। कई बार ये बंदर दूसरे जानवरों को इन शिकारी जानवरों से बचाते हुए नजर आते हैं, तो कई बार ये दूसरे जानवरों के बच्चों को चुरा कर मार डालते हैं। ये शेर, लकड़बग्घे और हिरण जैसे जानवरों के बच्चों को उठाकर पेड़ों पर ले जाते हैं और वहां पर ले जाकर उन्हें मार डालते हैं। कई बार ये इन छोटे जानवरों को खाने के लिए मारते हैं, तो कई बार अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए। जब कभी कोई शेर किसी बबून के झुंड के किसी सदस्य को मार देता है तो फिर बबून के झुंड में अफरा तफरी मच जाती है और बबून के झुंड का हर सदस्य शेरों से बदला लेना चाहते हैं, इसीलिए वो शेर के बच्चों को किडनैप करके मार डालते हैं। बबून बंदरों के इस खतरनाक व्यवहार को देखकर ऐसा कौन है जो ये नहीं कह सकता कि ये बंदर खतरनाक नहीं होते। जब कभी भी अफ्रीका में कोई घूमने जाता है तो खतरनाक जानवरों की लिस्ट जब पर्यटकों के सामने रखी जाती है तो उनमें बबून बंदर का नाम भी शामिल होता है, और हर पर्यटक को एक सलाह दी जाती है कि हो सके तो इन बंदरों से दूर रहे। नंबर 1, मैंड्रिल। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक बंदर। दिखने में ये बड़ा ही साधारण सा लगता है, हालांकि इसके चेहरे का आकार और चेहरे के रंग से ये बहुत ही खतरनाक लगता है, लेकिन जिस प्रकार से ये बैठा रहता है और जिस शांत माहौल में रहता है उससे तो यह लगता है कि ये बंदर बड़ा ही कूल है। द रॉक की जुमांजी फिल्म में इस बंदर को दिखाया गया है, और दिखाया गया है कि किस प्रकार से इन बंदरों ने इनके ग्रुप पर हमला कर दिया। इससे आप इस बंदर के खतरनाकपन का अंदाजा लगा सकते हो। जब बात गुस्से, रफ्तार, ताकत और इंटेलिजेंस की आती है, वहाँ पर इस बंदर का नाम आता है। जब कभी भी आपका इस बंदर से सामना हो तो हो सके तो इससे दूरी बनाए रखें। आपको पता भी नहीं चलेगा और यह आप पर तुरंत हमला कर देगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सबसे खतरनाक और भयानक बंदर जो आपकी कुछ ही मिनटों में बैंड बजा सकते हैं। अगर आपका कभी इनसे सामना हो तो इनसे एक खास दूरी बनाकर रखें। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप एनिमल टीवी हिंदी पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, और हो सके तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जल्द ही मिलते हैं इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।